जिस तरह से हम शक्कर आम की रेसिपी बनाते हैं, उस तरह से हम शकरकंदी की रेसिपी बनाने वाले हैं। इस तरह से हमें शकरकंदी के छिलके निकाल लेना है। ये बिना पकी हुई शकरकंदी है, हमें इसे पकाना नहीं। छिलके निकालने के बाद इस तरह से कद्दूकस कर ले। इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से हमने कद्दूकस लिया है और शक्कर ली है। यह हमने शकरकंदी का 3 कटोरी कद्दूकस लिया है और 1 कटोरी शक्कर ली है। हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। इस तरह से थोड़ी देर भून लेना है। अब हम इसमें शक्कर मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारी शक्कर अच्छे से पिघल गई है। हमें इसे अच्छे से पका लेना है क्योंकि हमने कच्ची ही शकरकंदी का यूज किया है। अब हमारा शकरकंदी का कद्दूकस तैयार है। इसे हम 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।